दसवीं और बारहवीं में सीबीएसई के पर्चा लीक के बाद छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इस वक्त दिल्ली के प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन के बाहर छात्रों ने ट्रैफिक जाम कर दिया है पूरी तरह से। यहां पर आपको तस्वीरें दिखाएं जो इस वक्त के हालात यहां पर बन रहे हैं। तकरीबन एक घंटा हो चुका है यहां पर और छात्रों ने किसी भी गाड़ी को जाने नहीं दिया। यहां पर जो भी गाड़ी यहां पर आ रही है उसे रोक दिया गया है। यहां पर एक जो गाड़ी आप सामने देख रहे हैं वो भी किसी तरह आगे आई थी और उसे छात्रों ने यहाँ पर रोक दिया है। पुलिस और छात्रों के बीच भी एक छोटी मोटी हल्की फुल्की झड़प भी देखने को मिली है। तिरंगा हाथों में थामे ये छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए अभी भी पुलिस से बातचीत हो रही है। पुलिस बार बार ये विनती कर रही है छात्रों से कि आप लोग सीबीएसई दफ्तर के बाहर चले जाइए, मगर पुलिस के सामने भी नारेबाजी हो रही है। और इनसे बात करते हैं, कौन सी क्लास में आप, क्या नाम है? 12th में फिर से पेपर होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे सरकार? पेपर हमको नहीं दे रहा। जब पेपर इंटरव्यू सीबीएसई की तरफ से लिखवा पेपर, हम क्यों उसका फॉल्ट हम क्यों पे करें, हम क्यों बियर करें? सीबीएसई क्या का एक पेपर ही संभाल सकती है? सीबीएसई एक दसवीं बारहवीं के पेपर नहीं करा सकती सीबीएसई के खाली है। सीबीएसई को पता लग गया कि पेपर लीक हो चुका है तो उन्होंने पेपर लिया ही क्यों हमारा? जब दो दिन पहले पता लगा सी पेपर आ चुका है कल सीबीएसई। ये सीधा सवाल है कि जब उन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया है तो फिर वो दोबारा एग्जाम क्यों दें?